आप देख रहे हैं TNB। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब देश भर में तूल पकड़ रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी ये मुद्दा अहम बनता जा रहा है। बता दें कि यूपी के अलीगढ़ के DS डिग्री कॉलेज में छात्रों ने भगवा और रुद्राक्ष धारण कर लिया, साथ ही माथे पर चंदन लगाकर पढ़ाई करने क्लास पहुंचे। छात्रों का कहना है कि अगर हिजाब चलता रहा तो वो भी भगवा पहनकर कॉलेज आएंगे क्लास करने। कर्नाटक के एक सरकारी स्कूल में हिजाब पहनकर क्लास अटेंड करने वाली छात्रा का विरोध किया गया था, जिसके बाद ही कॉलेज प्रशासन और हिंदूवादियों ने जमकर विरोध किया था। इसके बाद से ही देश भर में हिजाब के पक्ष और विरोध में तमाम प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने भी अब तक कई प्रदर्शन हिजाब के पक्ष में किए हैं। बता दें कि अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाका स्थित धर्म समाज डिग्री कॉलेज के छात्रों द्वारा भगवा और रुद्राक्ष ग्रहण माथे पर चंदन का लेप कर कक्षा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए फोटो सोशल मीडिया पर सामने आई है। इसके बाद छात्र छात्राओं ने एकत्रित होकर प्रोक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया कि टोपी बुरका कॉलेज में बैन किया जाए। इस मामले पर भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सौरभ चौधरी का कहना है कि अगर विशेष समुदाय के लोग ड्रेस कोड के नियम को तोड़कर हिजाब में स्कूल कॉलेज जाएंगे तो हमारे राष्ट्रवादी छात्र छात्राएं भी इसी प्रकार भगवा और रुद्राक्ष धारण कर क्लास लेने आएंगे। उसी की एक झलक धर्म समाज डिग्री कॉलेज में नजर आई है। लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो ड्रेस कोड नाम की किसी स्कूल और कॉलेज में कोई जगह ही नहीं रहेगी। इस पूरे मामले पर कॉलेज प्रोक्टर ने कहा कि यहाँ ड्रेस कोड लागू है, छात्र और छात्राओं द्वारा दिए गए ज्ञापन का संज्ञान लिया जाएगा। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।